बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। आज है 1 तारीख और सभी को राम राम और राधे राधे। तो आज पीछे मेरा होटल है, ये यहाँ पे लोग आज निकल जाएंगे तो यहाँ से चेकआउट करके दूसरे होटल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिन के लिए स्टे था, टिकट नहीं मिल पाई, इस कारण से एक रुकना पड़ा। देखो आज कहीं घूमने जाएंगे, बाकी दूसरे होटल चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। मैं आ गया, भैया लोग अभी ऊपर ही हैं, चले चलते हैं आगे। आज माता काली माता के मंदिर है, वहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं, और एक आध दो जगह जा रहे हैं, चलेंगे तो आपको दिखाएंगे आगे चल के। फिर भैया लोग आ गए हैं और चलते हैं होटल में। ये रहा अपना होटल, यहाँ चलेंगे रूम लेना है। ये यहीं तो गए हैं शायद, यहाँ कॉल करिए उसको, कहाँ पे गए हैं, बाकी बैग लेके खड़े हैं बाहर। देखो रूम बुक हो जाए तो फिर चलते हैं अंदर ही। आ गए यहाँ नए होटल में, अगर नाम हो एंट्री हो जाए फिर चलते हैं। क्या कहते हैं, लिफ्ट बंद? अरे खोल मत, तुम क्या लगते हो वही में वीडियो बनाने लगते हैं अब तो। बंद कर दे, 6 लोग ज्यादा नहीं जाएंगे क्या? ओवरलोड कर, ओवरलोड बस तिल तिल बस इतने में आ जाएंगे। कॉल कर दिए आप तो ओवरलोड करके, बवाल कर दिए, बवाल काट के भाई साहब। ये रहा अपना रूम, चिकन दूसरा रूम चिकन, बाकी बालकनी भी चेक करते हैं। इधर से तगड़ा है वैसे, ये स्लम बस्ती इधर, बाकी ये अपना रूम। और भैया लोग का क्या है देखते हैं, उनका भी रूम अपना चेकआउट कर रहे हैं। ये एक रूम रहा और एक रूम है, ये 6 वाला थोड़ा ठीक है। YouTube पे जाएगा रिव्यू, ये बढ़िया है, चलिए चलते हैं। बाकी ये रहा बाथरूम, और ये रहा तुम्हारा भाई सक्सेसा। ओ भाई साहब, सुबह क्या था, 12 बज रहे हैं वैसे, कल 12 बजे की ट्रेन है। क्या बोलती पब्लिक, आपका तो बढ़िया, क्या है, फ्रिज भी है। हाँ तो इसमें रखना मटेरियल है। ये व्यू देखो, बाकी एक ये बालकनी से इधर व्यू है, कब चेक कराता। ये रहा इधर चेक करिए, ये पूरा व्यू, 3 रूम। क्या बोले चु हाई रूम के, और ये इधर का बाथरूम, ये तगड़ा है भाई साहब, इसका इसका बाथरूम तगड़ा है इस रूम का। बाकी अब अंकल महादेव, बाकी चलिए चलते हैं। मौसी रहती हैं यहीं कलकत्ता में, उनसे मिलने जा रहे हैं, 8-10 किलोमीटर यहाँ होटल से। चलिए चलते हैं वहाँ डायरेक्ट, काफ़ी लेट हो गया, वैसे भी 5:30 होने वाले हैं। भैया तैयार हो गए, जय जीने जा रहे हैं, और भैया गया नीचे, कैब आ गई तो उसको इंतज़ार करना। बाकी तैयार हो गए, ये तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं, चलिए चलते हैं सीधे कैब में बैठ गए जाने के लिए। यहाँ से मैं, 3 लोग जा रहे हैं, भैया जय जी के साथ हैं, तो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं आप। चल रहे हैं इधर से, अभी निकले हैं, पता नहीं कब तक पहुँचते हैं, 11-12 किलोमीटर है शायद यहाँ से लगभग। मौसी के यहाँ आके बैठे हैं, यहीं पे खाए हैं, काफ़ी खिला दिए मौसी, बहुत सारा कुछ का उछ का पता नहीं क्या क्या, ढोकला ओखला, बाकी बैठ के चाय पिलाई बोल दी, खाना खा के जाओ, लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं, वहाँ एक और बुला रहे हैं होटल में, शायद पार्टी होने के जिसके यहाँ आए थे, तो चलते हैं यहाँ से, जल्दी चलेंगे, भैया को बुला रहे हैं, मौसी को दिखाता हूँ आती है तो। आ रही चाय खिलाने के लिए, ओके मौसी ब्लॉग देखते हैं, वहाँ वहाँ ब्लॉग देखते हैं, हैं यूट्यूब में हैं, दे अपन फोन, दे अपन सब्सक्राइब कर दी तुम्हारे, अपन चैनल देख रहे तो दे फोन अपन। ओ देखो मौसी से भी प्रमोशन करा लिया, बाकी ये गोलगप्पे लाई थी, बंद कहा चाय लाई, चाय पी के चलते हैं फिर, वहाँ पार्टी हुई है, बताए भैया क्या है वहाँ पार्टी। हाँ भाई, खाना खा के अब पान खाने की बारी आ गई, और ये पीछे होटल रहा है यार, रूफ टॉप पे खाना था, और यहाँ पे पान बनवा रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11, अब बिन पान खाए थोड़ी, अब बंगाल का पान खावे, अभी तू खावे हैं क्या चाय? अरे चाय हमको ना बोले, बंगाल पान खा, क्या खावे बंगाल, बोले जी जी भी बोले बंगाली पान खावे लगता पान गंगा था
पूरा भारत पाकिस्तान होगा। पान कैसा है? पान भूखा जाएगा तो खाए तो आप खा रहे हैं, आप ना बताएंगे मैं क्या से जी रहा हूँ। वीडियो में डाल पाते यूट्यूब में मार देते फेमस हो जाएंगे। क्या है? एक न्यूज़ चैनल, एक एक पिता का पान। हम सोचे कि बड़े पान का मतलब ये जो पान हो सुने बनाते में ये पान नहीं है, इसलिए छत मेरे यहाँ का पान। अरे हम बड़ा पान सोचे तो मतलब ये कि ज्यादा आइटम डाएगा मालूम है। ये पता होगा कि ये पान खा तीन तीन महीना लाली। हम बड़ा पान का मतलब ज्यादा आइटम डालेगा, जानता कि भाई आइटम ज्यादा कर देगा तो वो बड़ा खाता ही नहीं। कितना घटिया पान। चेकआउट करके जा रहे हैं अभी बनारस के लिए, बाकी ये रहा होटल और ये रही गाड़ी अपनी। गाड़ी में बैठ के जाएंगे अभी नोवाटेल होटल, दीदी लोग वहाँ रुकी हैं, हम लोग यहाँ रुके हैं, चलते हैं फिर वहाँ दिखाते हैं आपको भी। चलो भाई पीछे फुल हो गया ऑलरेडी। बाकी क्या बोलते हो, कैसा था एक्सपीरियंस है? इनका व्रत है आज, कुछ खाया नहीं पेट चार दिन पेट। भाई साहब खतरनाक यार, बनारस में ठंडा ही पीना है। चलिए ठीक चलते हैं, वहाँ से चेकआउट करके नोवाटेल होटल है, फाइव स्टार दीदी लोग इसमें रुके हैं। चलिए चलते हैं अंदर उनसे मिल के, फिर आज 12 बजे की ट्रेन है तो यहाँ से जाना भी है। और क्या कुछ चल के दिखाते हैं पूरा, जैसे फिनिश एरिया है बहुत चेकिंग रहता है। ओके दिखाते हैं पढ़ते हैं, चलिए छोड़िए आप। दीदी आ रही हैं, दो महीने बाद मामा बनने वाला हूँ मैं। बाकी ये उनकी मौसी सास ससुर जा रही हैं यहाँ से। नोवाटेल का रिसेप्शनिस्ट एरिया है भाई, शानदार दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है। बाकी चल रहे हैं अंदर, क्या कैसा है रूम, चलते चले डायरेक्ट कि आप चेक करो कैसा है ये पूरा ब्रेकफास्ट करने के लिए। कहाँ पे गेम खेला? रख दो गेम, आए मार देना इसको, बैठ क्या मार दे रहे। बाकी तुम्हारा भाई यार आज कपड़े कुछ नहीं पहने, यही पहन के चला आया। 12 बजे की ट्रेन है, सबसे थोड़ा बहुत यहाँ भी इंजॉय कर लें, ब्रेकफास्ट ही ले लिया जाए। ब्रेकफास्ट ले लिया जाए, ब्रेकफास्ट सर क्या बंद कर दो, तुम चिल्लाते हो बाकी लोग छोड़ो, करने दो भाई। बाकी चल रहे रूम के अंदर, कुछ पैकिंग वैकिंग करनी है फिर यहाँ से जाना है, सामान रख रहा है। बाकी व्यू चेक करो यार यहाँ से, कितना तगड़ा व्यू है अपना, 9th फ्लोर पे रूम है सारे। ये रूम रहा अपना, पड़ा है पूरा। बाकी ये बालकनी व्यू चेक करो, ये रूम पूरा रहा, रूम स्टोरी फाइव स्टार होटल है वैसे। अभी चलते हैं अंदर रूम में, पहले लगा दे गाड़ी पूरा, देखो कैसे मैसी हुआ पड़ा है। ये दीदी लोग का रूम है यहाँ पे, और उनका स्टे सा सामान रखते हैं यहाँ पे। बाकी चलिए चलते हैं कि आप रूम वूम देख लीजिए। ये बाथरूम, बाथरूम तो ऐसे तगड़ा है। चलिए चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया वैसे भी भाई साहब, लेट हो गया। बाकी लॉबी चेक करो यार, वैसे शानदार है, फाइव स्टार होटल का वैसे भी शानदार लग रहा है। एक दिन का एक रूम का स्टे 16,000 है इसमें एक दिन का, और यहाँ पे 5 रूम बुक हुए थे 3-4 दिन, लगता है 1.5 लाख तो इसमें किराया किराया का हो गया है। बाकी यहाँ से वहाँ तक जाने का, अपना एक रूम इधर एक रूम उधर है, सामान आ रहा है इसलिए बन रहा है यहाँ पे। अंडरग्राउंड चलता है, ये न्यू टाउन है, इधर ऊपर से चलेगा, बाकी पूरे ऑल कोलकाता में पूरा नीचे अंडरग्राउंड चलता है। पूरे इंडिया में शायद बता रहे थे कि कोलकाता में ही चलता है। बाकी आप व्यू चेक करो यार, कितना तगड़ा है। ये मॉल एक हो गया, एक उधर हो गया, बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा। बाकी अब चल रहे हैं यहाँ से, रुकने का तो मन है लेकिन अब क्या बताएं। बाकी तो एक एक पैक ले लिया जाए, ये रख कहाँ पे खाते हैं वो तो खाने का लॉन्च खा के आए, लेकिन चलते एक एक पैक लेके चलते हैं। बाकी मैच चल रहा है इधर, और आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ का, कौन कौन सी टीम आई हुई है यहाँ पे।
देखो सारे फॉरेनर्स बैठे हैं, ये सारी टीम देखो फुटबॉल की, माली, ब्राज़ील, स्पेन, इंग्लैंड, काफ़ी बाकी। ये रिसेप्शनिस्ट एरिया पूरा तगड़ा था यार, वो सेवन स्टार होटल है इधर, ब्लैक कलर का। बाकी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये बिल्डिंग जो दिख रही है इसमें शाहरुख खान का फ्लैट है यार, शानदार दिख रहा है वो भाई साहब, क्या व्यू है यार कलकत्ता का, एकदम जोरदार। ये स्टेडियम है क्या, बीसा मेला प्रांगण क्या भाई, भाई शानदार यार, चारों तरफ का व्यू है यहाँ का। यहाँ रुको एक आध महीने तो घूमो, बाकी यार बहुत प्यारा लग रहा है होटल। इसमें शाहरुख खान का बताते हैं कि होटल फ्लैट है। ओ भाई साहब, विक्टोरिया पैलेस थोड़ा सा दिख नहीं रहा है भाई, शायद कहीं से दिखे, दिखाता हूँ। ये दिखा ये यही है लंदन में, और यहाँ पे सेम बना हुआ है। ओ भाई साहब शानदार है यार, यहाँ घूमने को नहीं मिला, जल्दी देखते हैं कभी आएंगे अगली बार तो घूमेंगे। और ये हॉर्स राइडिंग वाला ग्राउंड अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। ईडन गार्डन स्टेडियम यही है भाई, देख लो बाहर से ही दर्शन कर लो। हावड़ा ब्रिज आपको चले आए नहीं भाई ना, हाँ ये हम लोग उधर गए थे ना निकलने के बाद, उधर साइड हावड़ा, ये हावड़ा उधर से नहीं आते, इसमें अभी भी पिलर नहीं है ना।